गाइस, ये है एम्बरिन वाई ज़ियोन प्रो स्मार्ट वॉच, वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच अंडर 1000 रुपीज बजट। हालांकि जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पे 2000 रुपए के अराउंड था, लेकिन फ्लिपकार्ट के सेल पे कुछ दिन पहले मैंने इसे 999 में परचेज किया था। स्क्रीनशॉट्स आप बगल में देख सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी पे लोगे तो आपको 5-10 रुपए का कुछ हैंडलिंग चार्ज लगता है। तो 1000 रुपए के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, क्योंकि इसके अंदर आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाता है, इसके अंदर आपको इनबिल्ट गेम्स मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलता है, 1.85 इंचेस का 550 निट्स का ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिल जाता है, अमेजिंग बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है 10 दिन से ज्यादा का। मैं बहुत जल्द इसका यूजेज रिव्यू लेकर के आने वाला हूं चैनल पे। तो इसके ऊपर ना मैंने चैनल पे ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं, अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा इसका प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना, उस पर मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर सारी वीडियोस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, कैसे आप इसके अंदर कस्टम वॉलपेपर लगा पाओगे, कैसे इसके अंदर आप कुछ एडिशनल एप्स या गेम्स को इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप इसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हो। तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर ना गाइस आपको मिल जाता है बड़ा स्क्रीन साइज, तो बड़े स्क्रीन साइज से आता है बड़े स्क्रैचेस आने के चांसेस। तो स्क्रैचेस से सेव करने के लिए ना आप इसके ऊपर लगा सकते हो स्क्रीन गार्ड। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई कोई बेस्ट स्क्रीन गार्ड बताओ एमरेन वाई ज़ियोन प्रो स्मार्ट वॉच के लिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं गाइस बेस्ट स्क्रीन गार्ड फॉर एमरेन वाई ज़ियोन प्रो स्मार्ट वॉच। इसे मैंने ऑनलाइन परचेस कर रखा है, बिना देरी किए गाइस चलो फटाफट से आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने स्मार्ट वॉच के ऊपर स्क्रीन गार्ड को अप्लाई कर सकते हो। गाइस मेरा नाम है निमेश, आप देख रहे हो टेकमेंट यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहते हैं। चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा गाइस कुछ इस तरीके का हमारा ये जो स्क्रीन गार्ड है ना वो आपको देखने को मिलेगा। अभी ये कोई टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, ये सॉफ्ट वाला गार्ड है, क्योंकि स्मार्ट वॉच के लिए ना अक्सर टेम्पर्ड ग्लास देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसके अंदर ना कर्व स्क्रीन है, तो इसलिए इसके अंदर ना आपको ये प्लास्टिक वाला लगाना पड़ता है, जो एक हल्का सा सिलिकॉन तरीके का आपको सॉफ्ट वाला मटेरियल मिलता है। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, चलो आप ध्यान से देखना, उसके बाद आप आसानी से अपने स्मार्ट वॉच के अंदर इसी प्रोसेस को यूज़ करके कोई भी स्क्रीन गार्ड लगा सकते हो किसी भी वॉच के अंदर। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है ना कि आपको स्मार्ट वॉच को लगाने से पहले आपको स्मार्ट वॉच को स्विच ऑफ कर देना है, क्योंकि बार बार यहाँ पे टच वच होगा तो आप नहीं चाहोगे यहाँ पे कोई मिस टच हो जाए। तो इसको बस थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दो, एंड स्विच ऑफ करने के बाद अभी आप देख सकते हो ये रहा हमारा स्मार्ट वॉच बंद हो चुका है। अब यहाँ पे अगर डिस्प्ले पे कुछ भी गंदा वंदा है ना तो उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। अगर कुछ यहाँ पे ना कुछ स्टिकी सा लगा हुआ है तो उसको आप कोई भी सैनिटाइजर से दे करके क्लीन कर सकते हो, और अगर बिल्कुल साफ है तो इस तरीके कोई भी आपके ग्लासेस के अंदर जो आपको क्लोथ्स मिलते हैं ना, जैसे ये लेंसकार्ट के स्पेक्स के साथ मुझे मिला था, तो इससे आप इसको इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। एक माइक्रोफाइबर क्लोथ है तो बहुत ही सॉफ्ट यहाँ पे ये क्लीन करने वाला है, और कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे इसके ऊपर ना तो उसको अच्छे तरीके से आपको रिमूव करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे रिमूव कर दिया ताकि हम जब यहाँ पे लगाएं ना स्क्रीन गार्ड को तो उसके अंदर कोई भी बबल या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर ना कर जाए। तो अच्छे तरीके से इस तरीके से आपको क्लीन करना है, आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है इसके ऊपर कोई भी गंदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे क्लीन किया है, अभी मुझे स्क्रीन पे कुछ भी गंदा देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसे रखते हैं नीचे और यहाँ पे निकाल लेंगे हमारे स्क्रीन गार्ड को बाहर, ये रहा। इसके साथ ना गाइस आपको वेट वाइप एंड ड्राई वाइप भी मिलता है जिससे आप स्क्रीन को क्लीन कर सकते हो। हालांकि मैंने जब मंगाया था ना इसको, तो ये मैंने ना दो पीस का सेट था, तो इससे पहले जिस स्मार्ट वॉच पे मैंने लगाया था ना वो मैंने यूज कर लिया था, इसलिए मैं अभी आपको वेट वाइप ड्राई वाइप वाला नहीं दिखा रहा हूँ। इसके लिंक्स जो होंगे ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा जब आपके पास आएगा। तो ये रहा, क्लीन करो। अब यहाँ सिंपल सा काम है, पहले इस एक नंबर को आपको यहाँ पे पील ऑफ करना पड़ेगा, तो अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे पील करना पड़ेगा इसे। ये ना अच्छे तरीके से इस पर चिपका हुआ रहता है, तो आपको ये देखना है कि ये पीछे वाला ही सिर्फ पील ऑफ हो, आपका पूरा का पूरा यहाँ पे स्क्रीन गार्ड पील ऑफ ना हो जाए, जैसे कि अभी पूरा पील ऑफ हो रहा है। तो इसको अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी से अलग किया ना, तो अब जाके ये स्क्रीन गार्ड जो है ना इसको अब इसने छोड़ दिया है, वरना ना इसके ऊपर ये चिपक गया था तो ये बैक वाला जो है ना पैनल रिमूव नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पे पहले एक नंबर को आपको यहाँ पे हटा देना है, एक नंबर हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब हमें अपने स्मार्ट वॉच के ऊपर ना इसको अच्छे तरीके से प्लेस कर देना है। अब ये पूरा एच टू एच स्क्रीन गार्ड है तो आपको अच्छे से प्लेस करना पड़ेगा, आपको ध्यान से रख के ना अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे प्रॉपरली रखना पड़ेगा ताकि किसी भी साइड पे ज़्यादा ना हो जाए। तो मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रहा। मैंने इसे ऑलमोस्ट सेंटर पे बैठाया, थोड़ा सा मैं ऊपर करने वाला हूँ इसे, जैसे इस तरीके से आप फिंगर से करते करते आओ, ठीक है, ये रहा, इस तरीके से आप इस पे दबाते हुए जाओ।
चारों तरफ आपको अच्छे से दबा देना है, इसको एजेस पे अच्छे से कर देना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, अच्छे तरीके से सिमिलरली आप फॉलो करना। तो एक काम करते हैं, उसको निकालने के लिए ना आप अपना कोई भी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो। वेट करो, एंड इससे मैं इस तरीके से ना प्रेस करके जितने भी एयर बबल्स है ना उनको यहाँ पे स्क्रीन से निकाल दूंगा। अभी आप इसके ऊपर ना जितना रगड़ना चाहो रगड़ लो, बाद में आप नहीं रगड़ पाओगे, क्योंकि अगर आप बाद पे रगड़ोगे ना तो इसका स्क्रीन गार्ड खराब हो जाएगा। इसलिए जब तक आपने इस पीले वाले को नहीं उखाड़ा है, तब तक आप अच्छे से साइड बाय साइड अच्छे से रगड़ करके इसके एजेस से, इसके चारों तरफ से निकाल सकते हो बबल्स को बाहर। मुझे लगता है ऑलमोस्ट हो चुका है, एक बार मैं इसे पील ऑफ करके देखूंगा। देखो गाइस, जैसे मैं इसे हटाऊंगा ना, आप यहाँ पे देखो हमारा स्क्रीन गार्ड काफ़ी अच्छे तरीके से लग गया है। अब आपको एक दो जगह थोड़ा बहुत यहाँ पे जो बबल्स का हल्का देखने को मिल रहा है ना फॉर्मेशन, ये जब यूज़ होगा ना एंड जब आपका स्क्रीन हल्का फुल्का हीट होगा या फिर जब आउटडोर में जाओगे तो ये अपने आप ना कुछ देर में बैठ जाता है। तो एक दो बार आप इस तरीके से माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेकर के ना प्रेस कर देना, ज़्यादा रगड़ना मत वरना स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो इस तरीके से सॉफ्ट यहाँ पे मैं हल्का हल्का इसे प्रेस कर दे रहा हूँ। एज टू एज है, देखो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि मैंने यहाँ पे कोई भी स्क्रीन गार्ड अप्लाई किया है। एंड ये जो आपको हल्के फुल्के लाइन्स देखने को मिल रही है, ऑटोमेटिकली ना फ्लैट हो जाएंगे कुछ देर के बाद। एंड चलो ऑन करके दिखाता हूँ कि क्या अब इसे यूज करने में कोई दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे मैं पावर ऑन करता हूँ। देखो गाइस, इसके ऊपर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि मैंने अप्लाई किया स्क्रीन गार्ड। बहुत ही पतला, बहुत ही थिन सा आपको स्क्रीन गार्ड देखने को मिलेगा। वैसा परफेक्टली आपके स्मार्ट वॉच का टच यहाँ पे फंक्शन करने वाला है। कोई भी यहाँ पे स्मार्ट वॉच के टच में आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला है। देखो देखा गाइस, कुछ इस तरीके से आप भी अपने स्मार्ट वॉच के अंदर ना बहुत ही आसान तरीके से स्क्रीन गार्ड लगा सकते हो, बहुत ही इजी वे में, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे मैंने दिखाया, सेम टू सेम प्रोसेस को फॉलो करना, आप भी अपने स्मार्ट वॉच के ऊपर लगा पाओगे। इसे मैंने खरीदा था ऑनलाइन 150 रुपए का। जो लिंक्स होंगे ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ और जाते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।